हिमाचल के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों किसानों का शोषण कर रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो कि सरासर जनता के साथ अन्याय है। इसलिए उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है। इसका नामकरण भी आगामी नवरात्रों के दौरान करेंगे। राजन सुशांत ने रामपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना दौरा 16 अगस्त से शुरू किया था और 31 अगस्त को अपना प्रदेश भर का दौरा खत्म होगा। उन्होंने कहा कि शिमला किन्नौर लोगों का मुख्य साधन सेब बागवानी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त मार्केट नहीं है। एशिया का निर्माणाधीन सब्जी मंडी का कार्य अब तक एक चौथाई हो पाया है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है। किसान बागवानों को कई सुविधाएं नहीं है, उनका शोषण किया जा रहा है। सुख सुविधा तो सिर्फ अंबानी को दिए जा रहे हैं। सीए स्टोर भी उनके द्वारा बनाए गए हैं, जबकि एक स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए, ताकि इसका सीधा लाभ उन्हें है। प्रदेश में किसान कर्मचारी सब परेशान है। इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए तीसरे विकल्प का निर्णय लिया गया है, यानी थर्ड फ्रंट। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर आगामी चुनावों में प्रत्याशी खड़े करेगी। पार्टी में स्वच्छ छवि वाले और जुझारू युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कर रहा हूं। आप जानते हैं कि शिमला जिला और किन्नौर की आर्थिकी मुख्यतः सेब के ऊपर आधारित है और साथ में सब्जियों के ऊपर आधारित है। इनके लिए जो जो सुविधाएं आजादी के बाद मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं है, और रिजल्ट है कि किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, वो बिछी नहीं है, और उसके बाद मंडियों का प्रबंध होना चाहिए था जहां पर किसानों को उचित दाम मिल जाता, वो भी हुआ नहीं है, और साथ साथ में और भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज मेरे ध्यान में लाया गया है कि यहां पर पराला के अंदर बहुत बार घोषणाएं हो गई हैं, एशिया के लेवल की मंडी बनाने जा रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ब्लॉक बना है, चार ब्लॉक बनने थे, हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसी तरह से सड़कों के बारे में एक बड़ी स्ट्रेटजिक सड़क छाला से गिरिपुल और गिरिपुल से सनौरा और जाके चौपाल तक भी इसका संपर्क रहता है, और यहाँ के सारे बागवान अपना फल और साथ में सब्जियां इसी सड़क से लेके जाते हैं। इसको भी स्टेट हाईवे बनाने का कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। आज मैं अपने क्षेत्रीय दल का, जिसकी विधिवत घोषणा हम नवरात्रों में कर रहे हैं, उसकी ओर से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत बागवानों की सुविधा के लिए पराला के अंदर सैंज में जो फल एवं सब्जी मंडी है उसका विस्तार करे, सारे ब्लॉक बनाए, सारी सुविधाएं बागवान और किसानों को दे, क्योंकि इससे लगभग 6-7 लाख बागवान प्रभावित हैं शिमला जिला के और किन्नौर के, और साथ में सिरमौर का भी कुछ हिस्सा है। इसके साथ साथ ये जो सड़क मैंने बनाई है, बड़ी स्ट्रेटजिक रोड है, छैला गिरिपुल सनौरा चौपाल तक की, इसको तुरंत काम किया जाए और सुविधा दी जाए। एक काम और है कि हमारे बागवान हों चाहे किसान हों, जब फल और सब्जी आती है तो कौड़ियों के भाव देना पड़ता है। टमाटर कभी तो 100 रुपया किलो चला जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद 5 रुपया किलो पहुंच जाता है। किसान बागवान बुरी तरह हताश हो जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनकी वैल्यू एडिशन की जाए, वैल्यू एडिशन के लिए इंडस्ट्रीज बनाई जाए, सरकार इसका प्रबंध करे, सब्सिडाइज करे, कोऑपरेटिव सेक्टर में दे, जैसे भी करे, और फलों के आधार के ऊपर, मांग के आधार के ऊपर, और सब्जियों की मांग